आज के हमारे शख्सियत कार्यक्रम के विशेष मेहमान हैं तिलक गीताई जी। जिन्होंने अपनी कला के क्षेत्र में विशेष पहचान बनाई, साथ ही इन्हें देश विदेश के साथ ही प्रदेश में देश में भी अन्य अवार्ड से नवाजा गया है, साथ ही पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया है। इनकी कला की विशेषता है क्या, पारंगत रही है क्या, जर्नी रही है, आज इसके बारे में आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस मुकाम तक पहुंचने में और इनकी जो कला है उसको देश विदेश में पहचान मिली हो, किस तरीके से उनकी जर्नी रही है। तिलक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, आज इस मुकाम तक आप पहुँचे हैं, देश विदेश में आपकी शख्सियत बनी है, अलग अलग अवार्डों से नवाजा गया है, पद्मश्री से अवार्ड से नवाजा गया है, क्या कुछ कहना है इस जर्नी के बारे में, क्या कुछ कहना है? देखिए, मैं आई एम रनिंग इन 75 ईयर ओल्ड। 75 साल में यूँ समझ लीजिए बहुत लंबी चौड़ी जर्नी रही है, क्योंकि मैं एक ख़ानदानी कलाकार हूँ। मेरे पिताश्री बहुत बड़े कलाकार थे, भारत की आज़ादी से पहले उनको बीकानेर महाराजा गंगा सिंह जी ने, जो कि यहाँ की बहुत बड़ी प्रमुख हस्ती थी राजाओं में, उन्होंने अपने यहाँ बुलाया। वो लोग पैट्रोनाइज करते थे अच्छे कलाकारों को, तो वो ढूंढते रहते थे हर तरह के कलाकारों को, म्यूजिशियंस को, राइटर्स को, डॉक्टर्स को, और अपने यहाँ उनको इन्वाइट करते थे। यहाँ से इंडिया को गोलमेज कॉन्फ्रेंस में लंदन में सारे राजाओं में बीकानेर महाराजा गंगा सिंह जी ने रिप्रेजेंट किया। गंग लहर वो लेके आए, जिसका इंदिरा गांधी कनाल बोर्ड अब कह बनाते हैं नहर, और उन्होंने बहुत काम ऐसे किए कि जिनके लिए उनको आज भी याद किया जाता है। पिताश्री 10 साल उनके पास रहे, वो ये कहते मुझे मेरा मरा हुआ बाप चाहिए, तो बोले नानी सुनना चाहता हूँ, आपको जो चाहिए फैसिलिटीज़ दूंगा, जो चाहिए वो तनख्वाह दूंगा, पर आप मेरे यहाँ आकर के काम करें। तो उस वक्त जो उनकी करेंसी चलती थी, वो सारी गोल्ड की क्वाइंस और सिल्वर क्वाइंस, कॉपर क्वाइंस, उन पे पोर्ट्रेट बने हुए होते थे, वो सारे मेरे फादर ने बनाए। उनके जितनी भी महत्वपूर्ण सीलें थीं जो कोर्ट में यूज़ होती थी या उनके दस्तखतों के साथ यूज़ होती थीं या और जगह कहीं सीलिंग्स वगैरह जो है उसमें वैक्स में वो यूज़ होती थी, वो भी सब फादर की बनाई हुई थी। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, चित्रकारी के, मीनाकारी के, और कोई भी तरह का जो काम हो उसके लिए उन्होंने, तो वो सब मुझे विरासत में मिली। भारत आज़ादी के बाद उन्होंने बीकानेर छोड़ दिया वापस और अपना स्वतंत्र काम किया। यहाँ उन्होंने विश्व प्रसिद्ध दुकान अपनी खोली, राजस्थान कला मंदिर, जो कि चौड़े रास्ते में त्रिपोलिया के सामने कॉर्नर पे थी। कला क्योंकि मुझे विरासत में मिली है, तो इसलिए बहुत सी चीज़ें मुझे स्वतः ही मतलब जो है करने का वो एक रुझान रहा शुरू से। जब से समझ लीजिएगा कि स्कूलिंग हुई और हुई, तो उसके बाद जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे मिल गया कि मैंने यहाँ से डिप्लोमा किया राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट से। उससे पहले मैंने मुंबई से IGD मुंबई किया, जिसको इंटरमीडिएट ग्रेड ड्राइंग एग्जामिनेशन कहते हैं एक ग्रेड में। उसके बाद में मैंने संतुष्ट नहीं हुआ, तो मैंने दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट ज्वाइन किया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सामने है। उसमें सिर्फ 20 सीटें हुआ करती थी और मैं उसमें मेरिट में आया। 5 साल सबसे पहले मैंने जो है वहाँ पास आउट करके दिल्ली यूनिवर्सिटी से BFA लिया, उससे पहले बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स कहीं था नहीं। इसके अलावा आप ये देखें कि मुझे अब बहुत सारे काम करने को मिले, जैसे फादर करते थे वैसे ही। कई मैंने जो है प्रमुख डिज़ाइनिंग लोगो, उस वक्त कंप्यूटर नहीं था, बड़े महत्वपूर्ण डिज़ाइनिंग्स जो है संस्थाओं के और के मैंने बनाए, महत्वपूर्ण जो है मैंने चित्र बनाए, महत्वपूर्ण मैंने स्टैचूज बनाई, और ये सब काम निरंतर चलता रहा। उसके बाद सबसे पहले मुझे 1982 में मिनिएचर पेंटिंग के लिए प्रेसिडेंट जैल सिंह जी से नेशनल अवार्ड मिला। उस नेशनल अवार्ड के बाद में मेरी एक लाइन में एक स्पेशलाइजेशन ये जुड़ गया कि मुझे मिनिएचर में सबसे पहले इतना महत्वपूर्ण अवार्ड मिला है, जबकि यहाँ कम से कम 5,000 आर्टिस्ट लोग काम करते थे उस फील्ड में, और मैं जिस फील्ड में काम कर रहा था फादर के साथ में, उसमें मैं एकमात्र कलाकार था फादर के अलावा, जो मेटल एनग्रेविंग, मेटल जो है एम्बॉसिंग और इस कई तरह के, इस तरह के मेटल के कामों में मेरी महारत थी, आज भी है। तो इस तरह जो है फिर वो पेंटिंग में एक आगे बढ़ने का और मौका मिला। उसमें सेवरल अवार्ड्स मुझे मिले, जो प्रेस्टिजियस अवार्ड हैं उनमें शिल्प गुरु अवार्ड भारत सरकार से मिला,
जिसमें मुझे जो है वो 6 लाख रुपया दिया उन्होंने, आज भी नहीं मिलता उसमें इतना पैसा। इसके अलावा जो है मैंने कई और, यहाँ हमारे मेवाड़ फाउंडेशन का था अवार्ड जो है, महाराणा सज्जन सिंह अवार्ड, यहाँ जयपुर का सवाई जगत सिंह अवार्ड, और इस तरह के कई महत्वपूर्ण जो है प्रेस्टिजियस अवार्ड मुझे मिले सरकार की तरफ से। और व्यक्तिगत रूप से मैंने सारे यूरोप में और अमेरिका में एग्जीबिशंस की, और कई जगह जो है मैंने डेमो किया, कई जगह मैंने क्लासेस ली हैं बाहर विदेशों में, लोगों को बहुत सिखाया है मैंने काम, और वहाँ की अच्छी म्यूजियम्स में मेरी कलेक्शंस हैं, स्विट्ज़रलैंड, जिनेवा, ज़ूरिक, आपके जापान, अमेरिका, आपके इंडिया में जो है नेशनल क्राफ्ट म्यूज़ियम, कई जगह मेरी कलेक्शंस हैं, प्राइवेट में तो कोई गिनती नहीं है। तो इस तरह से मैं कई तरह का जो है वेरियस काम करता रहा हूँ। मेरी जो सबसे प्रसिद्ध जो रचना है वो है रागमाला द मिसिंग लिंक, और वो मैंने उसके ऊपर 10 साल खर्च किए, और जो 500 सालों में एक मिसिंग लिंक चल रहा था वो मैंने ईजाद किया, और ये प्रूव किया कि पर्टिकुलर मेलोडी मेरी पेंटिंग से निकलती हैं। इसके लिए जो अमेरिकन प्रोफेसर ने यहाँ आकर के रिसर्च किया था तो उसने ये लिखा कि अगर आप अमेरिका में होते तो आपको नोबेल पुरस्कार मिलता, आपने ऐसा काम किया है। यहाँ दो लड़कियाँ ऑलरेडी वनस्थली की और मेरठ की मेरे पे पीएचडी कर चुकी हैं, और कई जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी की और दूसरे जगह की जो है लड़कियाँ मेरे पे इंटर्नशिप कर चुकी हैं, बाहर विदेशों में भी मेरे पे जो है वो रिसर्च हो रही हैं। तो इस तरह मैं कुछ डिफरेंट तरह का काम करता रहा हूँ। स्कल्पचर्स में भी मैंने मिनिएचर पेंटिंग की तरह बहुत बारीक मूर्तियाँ बनाई हैं जो कि आदित्य हैं। मेरी एक सबसे छोटी जो मूर्ति मैंने बनाई मेटल में, वो मक्खी मच्छर बिल्कुल ऐसे हैं जैसे सजीव सामने बैठे हों, आप एक एक नस उनकी देख सकते हो। इंदिरा गांधी जी ने जब मुझे खाने पे बुलाया जब वो प्राइम मिनिस्टर थी, तो मैंने उनकी खाने की प्लेट पे वो मक्खी रख दी, और उन्होंने जो है वो वेटर्स को और सर्विस करने वालों को झाड़ लगाई कि इतनी गंदी प्लेटें हैं कि इसमें मक्खियाँ पड़ी हुई हैं। तो उन्होंने कहा साहब ये तो मेटल की बनाई हुई है, आप इसे उड़ाओ, उड़ेगी नहीं। तो ठाका लगा के हंसी कि ऐसा तो ज़बरदस्त कलाकार मैंने नहीं देखा मेरी ज़िंदगी में जो इतनी बारीक चीज़ को इतना सजीव बना सकता है कि लगता है कि रियल है। इस तरह से और भी कई मेरे जो हैं वो इस तरह के काम रहे हैं जो पूरी जर्नी में वो अपने आप में अलग। पद्मश्री अवार्ड देश का उच्चतम अवार्ड है, उससे भी आपको नवाजा गया, क्या रहा, किस तरीके का रहा आपका एक रिएक्शन जब आपका नाम आया पद्मश्री अवार्ड से आपको नवाजा जा रहा है? आपको लगा कि आज मेरा जहाँ तक मैं लेके आया हूँ इस जर्नी को, मेरा मुकाम हासिल हो गया, ऐसा लगा? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है साहब। मैं 25 साल तक जो है वो नेशनल अवार्ड सेलेक्शन कमेटी का मेंबर रहा हूँ, और मैं आपको ये बताऊँ कि मुझे तो बहुत पहले ये अवार्ड मिल जाना चाहिए था, लेकिन जो उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी उनका जो है न्यायपूर्ण जो है रवैया नहीं था। जब मोदी जी आए तो उन्होंने इसको ऑनलाइन किया प्रोसेस को, और वो जितनी बीच में घपलेबाजी होती थी वो सब ख़त्म हुई, और जैसे ही ये ऑनलाइन हुआ और मुझे वो ये आपका जो है ना पद्मश्री अवार्ड मिला, और ये एक मतलब न्याय की जीत थी। और मैंने वास्तव में ऐसे मेरा जो है वो काम है कि जिसको कि और भी आगे जो है मैं बढ़ा सकता हूँ और कर रहा हूँ बराबर, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को सिखा रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जो है अभी लोगों को जो है वो प्रेरणा देता हूँ कि आर्ट का आप जो है ये हमारी भारत की संस्कृति और गौरव ही ख़त्म ना हो, इसलिए इसमें रुझान लो। सर आपको अनगिनत अवार्ड मिले हैं, पद्मश्री से लेकर देश विदेश में कई अवार्ड मिले हैं, क्या आपको लगता है कि आपकी जर्नी यहीं तक थी, आगे भी कुछ ऐसा करना है जिस वो अभी बाकी है, ऐसा लगता है आपको? जी बिल्कुल, मैंने सारी ज़िंदगी जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत महत्वपूर्ण काम किए जो हुए नहीं हैं कभी भी हमारे क्षेत्र में, और मैं बराबर आज भी उनमें लगा रहता हूँ कि मैं कुछ यूनिक और अलग हटके कुछ कामों को करता रहूँ, और मैं बराबर मेरा योगदान उनमें रहा है, मैं बराबर उस तरह के कामों में लगा रहता हूँ। एक कहते हैं कि कई लोग इसको व्यवसाय के तौर पर भी लेते हैं जो अपने आर्ट को है, आपने किस तरह से लिया, एक प्रोफेशन की तरह लिया या फिर अपना एक शौक पूरा किया कि मुझे इस लाइन में, ये आपका शौक बना या फिर प्रोफेशन में आपने व्यवसाय भी बनाया इसको? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए वैसे तो पैसा कमाना एक अलग बात है और कलाकार होना है मैं दूसरी बात मानता हूँ, उन दोनों के बीच में अगर आप कंप्रोमाइज़ करते हैं तो ये संभव नहीं कि आप ऊंचाइयों को छू पाएँ।
व्यापार तो कोई भी चीज़ का हो सकता है और करना ही पड़ता है आदमी को अपना जीवन निर्वाह करने के लिए, मैंने भी किया है, लेकिन मेरा शुरू से रुझान पैसा कमाने के लिए नहीं रहा। मेरा शुरू से रुझान ये रहा कि मेरी ज़रूरतें पूरी हो, उसके अलावा मैं अपनी प्रतिभा को जो है वो कुछ ऐसा करके जाऊँ और उसी के प्रयास में लगा रहता हूँ। अप्रिसिएशन तो आपको पूरे देश भर से मिला, आप बात करें विदेश की, अमेरिका में बिल क्लिंटन है, उन्होंने आपको अप्रिशिएट किया आपकी कला के लिए, उनकी डॉटर ने अप्रिशिएट किया। आपको लगता है कि आप देश में कला को जिस तरीके से तवज्जो मिलनी चाहिए, जिस मुकाम तक लेके जाना चाहिए, वो शायद यहाँ नहीं मिल पाता, बाहर विदेशों में इसकी अलग वो तहरीर दी जाती है, आपको लगता है ऐसा? जी, अब ऐसा होने लगा है मोदी जी के बाद आने के बाद में, वरना आप देखिए कि कला का जो है कोई इनसे कोई लेना देना नहीं था, ना सरकार ने कभी पैट्रोनाइज किया प्रॉपरली, ना उन्होंने कभी इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए कुछ सोचा। आज फ्रांस एक छोटी सी जगह है, छोटे से वहाँ का जो है उनकी वो है, राजस्थान से भी छोटा उनकी टेरिटरी और वहाँ के लोग हैं, और उसमें उन्होंने एक मोनालिसा के पोर्ट्रेट को विश्व विख्यात कर दिया। मेरे यहाँ ऐसे ऐसे काम हुए हैं, राधा को लेके, बनीठनी को लेके, किशनगढ़ की शैली में जो पोर्ट्रेट बना है, आदित्य है, दुनिया में उसका कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन हमको उस तरह की जो है वो नहीं मिली पेट्रोनेस की हम उसको जो है विश्व विख्यात का दर्जा दे सकें, और मैं उसी में लगा हुआ हूँ। आज भी मैं किशनगढ़ शैली को लेके ही काम कर रहा हूँ और दुनिया में नाम कमाया है मैंने इसके लिए। एक आपने बहुत सारी स्कल्पचर बनाए हैं, मूर्तियाँ बनाई हैं, कई तरह के आपने कार्य किए हैं, कुछ ऐसा बनाया जिसको बनाने के बाद आपको लगा कि हाँ इसमें मैंने पूरी जान डाल दी इसको बनाने में और ये मेरे सबसे अच्छी मूर्त आज निकल कर आई, कुछ ऐसा लगा? आप मेरे सारे मूर्ति शिल्प देखें, मुझे मेटल में काम करने का ज़्यादा शौक़ है और मैंने उनकी हर फिगर है, चाहे वो एनिमल का हो चाहे ह्यूमन फिगर हो, उनकी एनाटॉमी और उनकी जो खासियत है वो बिल्कुल आपको ऐसी मिलेंगी जैसे कोई सजीव हो। जैसा मैंने आपको भी बताया कि एक स्मॉलेस्ट मच्छर की क्या जान होती है, आप जिंदा मच्छर को पकड़ नहीं सकते, मसल जाएगा। मैंने मेटल में शेप दिया और एग्जैक्ट वैसा का वैसा बनाया है कि आप कहीं रख दें तो लगेगा कि मच्छर ही बैठा हुआ है। परिवार में एक आपके पिता को, आपके पिता से विरासत में आपको एक कला मिली, कला की ज्ञान मिला, आपको कहीं ना कहीं लगा कि पिताजी का सपना भी मैंने पूरा कर दिया। खैर पिताजी भी अपने क्षेत्र में विख्यात थे, राजा महाराजा की तरफ से उनका अवार्ड मिला, लेकिन आपको लगा कि मैंने पिताजी का सपना पूरा कर दिया? बिल्कुल, अभिमन्यु की तरह मैंने जो है वो चक्रव्यूह तोड़ना सीखा है। उनके पास जो बहुत ही वैल्यूएबल कला थी वो मुझे बिल्कुल विरासत में मिली है, क्योंकि वो टूल्स से लेकर के और आर्टिकल के फाइनलाइज होने तक वो सारा काम हाथ से करते थे। वो चीज़ें बाज़ार में ना तो टूल मिलते हैं, ना उस तरह की कोई विद्या कहीं किताबों में मिलती हैं, वो सिर्फ उनका एक्सपीरियंस था कि जो उन्होंने इतना बेहतरीन काम किए हैं। आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन जब यहाँ से गया तो सारे महाराजाओं ने अपनी अपनी प्रेशियस गिफ्ट उनको दी थी, उसमें सबसे प्रेशियस गिफ्ट बीकानेर महाराजा साधुल सिंह जी की थी और वो मेरे फादर की बनाई हुई थी। उस ज़माने में 47 में वो 50,000 रुपये की बनी थी और वो आज भी उनके पर्सनल म्यूजियम लंदन में रखी हुई है माउंटबेटन के। मैं 2 बार लंदन गया हूँ और मेरे को फ़ख्र था कि मेरे पिताश्री ये चीज़ यहाँ रखी हुई है। आज भी ऐसे काम मैं करता हूँ जो मेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता है मेटल में। अभी राम मंदिर बना है तो देश में कई ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने अपनी कलाकृति भगवान श्री राम को समर्पित की है और कहीं ना कहीं मीडिया में भी आया है कि उन्होंने बहुत भगवान की, कोई पेंसिल पे आकृति बना रहा है, कोई कैसे बना रहा है। आपने भी एक अलग तरह की तस्वीर उतारी है भगवान श्री राम के दरबार की, तो एक बार हम आपको दिखाते हैं। सर एक बार आप दिखा दीजिए, सर इसमें बता दीजिए क्या कुछ खासियत है। ये जयपुर शैली का राम दरबार है और ये देखिए पूरा एम्बॉस रियल गोल्ड में काम किया हुआ है और जयपुर शैली का बहुत बढ़िया चित्रण है। सभी जयपुर शैली, खुद मोदी जी ने इसको अप्रिशिएट किया है जी। तो सर इसको बनाने में कितना समय लगा और क्यों आपको लगा कि हाँ मुझे करनी? देखिए मैं शैलियों को मेंटेन करता हूँ कि मैं जयपुर में भी रह रहा हूँ, जयपुर शैली का कुछ काम करूँ, तो इसलिए जो है उनका पुरानी जो हमारी कला है उसको ज़िंदा रखना ज़रूरी है और उसी को लेकर के ये काम किया गया है। इन्होंने बताया किस तरीके से जो भगवान राम के प्रति भी इन्होंने समर्पित किया है, अपनी कला का जो प्रदर्शन वो दिखाया है, प्योर गोल्ड में इन्होंने कलाकृति बनाई है। सर आपके कई स्टूडेंट रहे हैं, कई आपने बताया कि कई स्टूडेंट अभी भी मेरे ट्रेनिंग लेने आते हैं, कई आप PhD भी कर रहे हैं, कैसा लगता है आपको कि आज इस मुकाम पर मैं आ गया हूँ कि लोग मुझे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, मुझे जानने के लिए आ रहे हैं?
ये तो बहुत खुशी की बात होती है साहब कि लोगों में आज भी बहुत नहीं कह सकते लेकिन अभी भी इस युग में जिज्ञासा है कि वो कुछ हमारी पुरानी कला को जो है समझें, उसको कुछ करें। अभी कल भी यहाँ जो विश्व प्रसिद्ध आपके जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल होता है उसमें मेरी इन्हीं चीज़ों को लेकर व्याख्यान था कि पुरानी जो है 17वीं शताब्दी की मेवाड़ शैली के चित्रों की जो रामायण पे बने हैं उनको क्या आप कैसा आँकते हैं, कैसा समझते हैं, उस पर मैंने पूरा व्याख्यान दिया। अभी एक पर्शियन जो है वो ग्रुप आया हुआ है जिनके साथ हम लोगों की जो है कला एक साथ जो है 10-12 आर्टिस्ट यहाँ के हैं वहाँ के हैं, राजपुताना शेरटन में हमारी एग्जीबिशन चल रही है। तो ये सांस्कृतिक जो आदान प्रदान है और ये जो कला को जो लेकर के बढ़ावा है ये बराबर मिलता रहना चाहिए और हम कोशिश करते हैं कि ये कला मरे नहीं जिंदा रहे। विरासत को जिंदा रखने के लिए आप अपने जो कला के क्षेत्र में स्टूडेंट हैं जो कर रहे हैं कार्य इसमें और कुछ अच्छा भी करना चाह रहे हैं लेकिन आप वो कहीं ना कहीं अपनी विरासत को जीवित रखने के लिए उस ओर नहीं जा पाते लेकिन आपने जिस तरीके जीवित रखा विरासत को अपनी कला में उकेरा तो आप एक क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को कि अपनी विरासत को जिंदा रखने के लिए पूरे देश विदेश तक पहुँचाने के लिए कार्य करना चाहिए, आपका ऐसा क्या संदेश रहेगा इसमें? सब इसके लिए बराबर प्रयास किए जा रहे हैं। मेरे पास में इंडिया की बेस्ट आर्ट मटेरियल बनाने वाली कंपनी जो जापान के कोलैबोरेशन से यहाँ कलर्स बनते हैं कैमलिन जो है वो कैमलिन कंपनी का ग्रुप आया था और उन्होंने एक बहुत ही अच्छा वो चलाया है अभियान की वो अलग अलग हिंदुस्तान के एरिए के जो है वो कुछ विद्यार्थियों कला विद्यार्थियों को बुलाते हैं और उनका एक कैंप आयोजित करते हैं। इस बार उन्होंने नॉर्दर्न इंडिया के आर्ट कॉलेज के करीब 100 स्टूडेंट्स को बुलाया था जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उनको सारा खर्चा उन्होंने किया, पैट्रोनेस किया उनको और यहाँ अजमेर में मेयो कॉलेज में जहाँ कभी उन्होंने बाहर के किसी गतिविधियों को नहीं प्रेशर दिया था मुझे ख़ास तौर से इन्वाइट किया और उन सबको जो है ये बताया कि देखिए ये जो कला है इससे आप प्रेरणा लें और इस कलाकार से प्रेरणा लें और ये कला जीवित रहनी चाहिए। तो सारे ही लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, काफ़ी उन लोगों को जो है ये समझाने का और बताने का मुझे एक अच्छा अवसर मिला। ये थे हमारे साथ तिलक गीताई जी, इन्होंने बताया कि इनकी जर्नी में क्या कुछ रहा, किस तरीके से उन्होंने ये इन्होंने कला में जो अपना नाम कमाया और आज पद्मश्री जैसे बड़े अवार्ड से भी ये सम्मानित हैं और देश ही नहीं विदेश में भी ऐसी शख्सियत है जो बड़े बड़े जो दिग्गज नेता रहे हैं बिल क्लिंटन जैसे वहाँ भी इनको सराहा गया है। तो ऐसी राजस्थान की शख्सियत है जिन्होंने आज पूरे देश नहीं पूरे विदेश में भी नाम कमाया है। कैमरा पर्सन वीनू के साथ मैं हेमंत शर्मा, जयपुर।